एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग में। चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज फैक्स मशीन? फैक्स मशीन क्या है, किस काम आती है? द फुल फॉर्म ऑफ फैक्स मशीन इज फैक्सिमिले मशीन दैट वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर वेन सिंस 1842। अब फैक्स मशीन की फुल फॉर्म है फैक्सिमिले मशीन, जिसे किसने बनाया है, दैट वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर वेन सिंस 1842, जिसको अलेक्जेंडर वेन ने 1842 के दौरान बनाया था, उसकी खोज की थी। इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव इमेज और टेक्स्ट ओवर टेलीफोन लाइन। या एक उपकरण है दैट इज यूज्ड टू, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू सेंड, भेजने के लिए, एंड रिसीव और प्राप्त करने के लिए, इमेज, इमेज मतलब पिक्चर्स वगैरह कुछ भी, और टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब जो भी हम एमएस वर्ड या पावर पॉइंट एक्सेल के अंदर कुछ भी टाइप करते हैं, वो ओवर टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन्स के ऊपर। अब ये जो मशीन है ये काम करती है देखो टेलीफोन के साथ इस तरह से, तो टेलीफोन लाइन ही लगी होती है, और जैसे हमारी आईसीटी लैब में इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है तो वो भी लैंड लाइन से लगा हुआ है, जिसको हम ब्रॉडबैंड बोलते हैं ना, ठीक है, ये भी लैंड लाइन पे काम करती है मशीन। फैक्स मशीन ट्रांसलेट एन इमेज इनटू 0 एंड 1। फैक्स मशीन ट्रांसलेट करती है मतलब इसका अनुवाद करती है किसमें, 0 और 1 में। हम क्या करते हैं इस मशीन के अंदर कोई भी लिखा हुआ कागज डाल देते हैं ना, और ये मशीन जो है उस कागज को रीड करती है और उस कागज के ऊपर जो कुछ भी लिखा होता है उसको 0 और 1 में बदल देती है, क्योंकि कागज थोड़ा ना सेंड होगा, है ना, तार के अंदर कागज थोड़ा ना जाएगा, लैंडलाइन में ये जो टेलीफोन के ऊपर चलता है ना, तो कागज थोड़ा ना जाएगा, इसके अंदर क्या जाएगी, इंफॉर्मेशन ही जाएंगे, वही जाएंगे, 0 और 1 करंट जाएगा, एंड ट्रांसमिट ओवर टेलीफोन लाइन, और उसको जो है वो ट्रांसमिट कर देता है टेलीफोन लाइन के ऊपर, जिसके साथ ही मशीन लगी होती है टेलीफोन लाइन उसके ऊपर, इसको क्या करता है फिर ये ट्रांसलेट करके भेज देता है। एंड अदर फैक्स मशीन ऑन रिसीविंग साइड अगेन ट्रांसलेट दीज 0 एंड 1 इनटू एन इमेज। और दूसरी साइड भी क्या होता है, फैक्स मशीन लगी होती है रिसीविंग साइड में, वो दोबारा क्या करती है, अगेन ट्रांसलेट दीज 0 एंड 1 इनटू एन इमेज। दूसरी तरफ भी इस तरह की फैक्स मशीन लगी होती है ना, उसमें भी इस तरह से कागज डाला होता है, जैसे ही एक मशीन से मैसेज सेंड होता है ना, तो उस मशीन में जो कागज डालते हैं ना, या इस कागज के ऊपर जो भी 0 और 1 सेंड हुए होते हैं ना, वहां से जो भी इमेज और टेक्स्ट भेजे होते हैं उनको दोबारा 0 और 1 को क्या कर देती है, एक इमेज में बदल देती है, जैसा मतलब भेजा होता है वहां से वैसे इसके ऊपर फिर प्रिंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, इसके गुण क्या क्या हैं। फैक्सेस आर इन एक्सपेंसिव मेथड जस्ट लाइक ए लोकल टेलीफोन कॉल कॉस्ट। फैक्स जो है एक इन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होता है महंगा, इन एक्सपेंसिव मतलब सस्ता, एक सस्ता मेथड है, एक सस्ता साधन है, जैसे कि एक इसका खर्चा होता है लोकल टेलीफोन कॉस्ट की तरह 25 पैसे ऐसा बोल लो या 25 या 50 पैसे, ठीक है। फैक्सेस आर सिंपल टू यूज, फैक्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं यूज करने में, आसान होते हैं यूज करने में। इफ फैक्स मशीन इज स्विच्ड ऑन, यदि फैक्स मशीन जो है वो स्विच ऑन है, देन तो मैसेजेस कैन बी रिसीव्ड एट एनी टाइम, तो मैसेज जो है वो कभी भी रिसीव किए जा सकते हैं किसी भी समय, इवन एट नाइट, यहाँ तक कि रात को, ठीक है। फैक्स मशीन प्रोवाइड असेंडिंग रिसीप्ट एज ए प्रूफ फॉर सेंडर, इसके अलावा फैक्स मशीन जो है हमें एक प्रूफ के तौर पे एक रिसिप्ट भी देती है, ठीक है, हमें रिसीविंग भी मिल जाती है एक प्रूफ के तौर पर रखने के लिए कि हमने मैसेज जो है वो भेजा हुआ है, सेंडर के पास जो है वो प्रूफ रहती है एक रिसिप्ट, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की तरफ, क्या क्या है इसके दोष हैं, क्या क्या है इसमें अवगुण है। इफ फैक्स मशीन इज स्विच्ड ऑन ओनली देन मैसेज कैन बी रिसीव्ड, बोल रहे हैं कि यदि फैक्स मशीन ऑन होगी तभी जो है मैसेज जो है वो रिसीव किए जा सकते हैं, तभी मैसेज इसको प्राप्त किया जा सकता है, अगर फैक्स मशीन बंद होगी तो मैसेज जो है वो रिसीव नहीं होंगे, ठीक है। तो फैक्स मशीन जो है वो दोनों तरफ के होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए।
रिसीविंग वाली साइड भी और भेजने वाली साइड से तो ऑन होगी ही होगी, जो मैसेज भेजेगा दूसरी तरफ भी मशीन के होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए। इफ़ फैक्स मशीन इज़ बिजी देन फैक्स विल नॉट बी डिलीवर्ड, अगर फैक्स मशीन जो है वो बिजी होगी तो मैक्स फैक्स जो है वो डिलीवर नहीं होंगे, ठीक है। द प्रिंट क्वालिटी ऑफ रिसीव्ड फैक्स इज पुअर, अब बोल रहे हैं कि जो प्रिंट क्वालिटी होती है फैक्स को रिसीव करने की वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, वो पुअर होती है, ज़्यादा सफाई नहीं होती है ना, प्रिंटिंग जो है थोड़ी सी ब्लर आती है इसमें, धुंधली सी आती है प्रिंटिंग, बिल्कुल क्लियर नहीं होती है। अब फोर्थ पॉइंट है, वी कैन ओनली ट्रांसमिट वन पेज एट ए टाइम इन फैक्स मशीन, बोल रहे हैं कि फैक्स मशीन में एक टाइम में एक ही पेज जो है वो ट्रांसमिट होता है, भेजा जा सकता है, इकट्ठे पेज नहीं भेजे जा सकते हैं कि पेज डाल पेज जो है ये एट ए टाइम जो है वो रीड करके भेजेगी, ठीक है। अब चलिए कुछ एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन नंबर 8 में वो देख लेते हैं, एलसीडी, ये तो हमने पढ़ ही लिया चैप्टर में पीछे ना, एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड्स। अब देखो ना एलसीडी में क्या लगे हुए थे, पिक्सल्स के ऊपर क्रिस्टल लगे हुए थे, ठीक है ना, एलईडी में क्या लगी होती हैं, डायोड्स लगी होती हैं। उसका सीआरटी, सीआरटी जो है कैथोड रे ट्यूब है, इसका फंक्शन जो है सिस्टम जो है वो अलग है, कैथोड रे ट्यूब का, इसके अंदर भी गैस होती है कैथोड रे ट्यूब के अंदर, ठीक है, और इसमें भी एक तरह की गन लगी होती है पिक्चर्स को क्रिएट करने के लिए, उसी तरह से आरजीबी गन लगी होती है। उसके बाद है कैड, कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसके बारे में आप प्लस वन या प्लस टू में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। के बाद पांचवे नंबर पे है कैम, कैम स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो भी एडिटिंग से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, चीज़ें बनाई जाती हैं ना, कैम एक तरह की, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है काम करने के लिए, कैम और कैड जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। फैक्स, फैक्सिमिले, ठीक है, फैक्स की फुल फॉर्म है फैक्सिमिले। उसके बाद है डी एम पी, डी एम पी स्टैंड्स फॉर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये हमने पढ़े हैं कैसे प्रिंट करते हैं, डॉट डॉट डाल के प्रिंट करते हैं, ठीक है। एल क्यू पी स्टैंड फॉर लेटर क्वालिटी प्रिंटर, ठीक है, एल क्यू पी की फुल फॉर्म है लेटर क्वालिटी प्रिंटर। उसके बाद है पी पी एम, पी पी एम स्टैंड फॉर पेज पर मिनट, ये प्रिंटर की प्रिंट करने की जो स्पीड है कि ये एक मिनट के पर मिनट में कितने पेजेस को प्रिंट करेगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसके ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। पहला है पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट विद डी एम पी इज क्वाइट लो, बोल रहे हैं कि पर पेज को प्रिंट करने की जो कॉस्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में बिल्कुल कम होती है, तो इसलिए क्या है ये ट्रू है, ठीक है। ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं और इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, इनमें ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं इनमें ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप्स हैं, ठीक है ना, इनकी जो प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है वो लो रहती है, ठीक है, कम खर्च आता है। सेकंड है करेक्टर प्रिंटर इज ए नॉइसी प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर जो होता है वो एक स्टोर करने वाला प्रिंटर होता है, बहुत ज़्यादा नॉइस करता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है जब ये प्रिंट करता है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है ट्रू है। प्रोजेक्टर इज नॉन रिलायबल टूल फॉर इमेज डिस्प्ले, बोल रहे हैं कि प्रोजेक्टर जो होता है वो एक नॉन रिलायबल, एक भरोसेमंद टूल, एक भरोसेमंद औजार नहीं है इमेज को दिखाने के लिए, फॉर इमेज डिस्प्ले, तो ये क्या है ट्रू है, ठीक है, क्योंकि अगर इसकी हम मूवमेंट चेंज करते हैं ना प्रोजेक्टर की, इसकी क्योंकि रोशनी के ऊपर ही काम करता है, इसमें थोड़ी सी लाइट सेंसिटिविटी जो होती है ना कमरे में, लाइट सेंसिटिव उपकरण है काम करने के लिए, जबकि एलसीडी एलईडी बार भी लगाएंगे तो थोड़ी सी उनकी पिक्चर क्वालिटी जो है वो अच्छी रहती है, विजिबल रहती है, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, लेंस ऑन टॉप ऑफ ए बॉक्स इन ए प्रोजेक्टर इज फ्रेस्नेल लेंस, फ्रेस्नेल लेंस बोलते हैं, ये जो बोल रहे हैं कि जो प्रोजेक्टर में जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है ना, ये देखो ओवरहेड जो प्रोजेक्टर्स हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर में ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स में ये जो टॉप पे ये यहाँ पे ये लगा होता है, इसको बोल रहे हैं फ्रेस्नेल लेंस है ये जो ऊपर लगा होता है प्रोजेक्टर में, तो ये क्या है ट्रू है।
lens on top of box in a projector is Fresnel lens. ठीक है, it is not possible to adjust height of mirror in a projector. बोल रहे हैं कि प्रोजेक्टर में हाइट के ऊपर जो मिरर लगा होता है उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, करना संभव नहीं है. तो ये क्या है, फॉल्स है. हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो लगी होती है लंबी सी स्टिक लगी होती है उसके ऊपर लगा होता है ये मिरर. तो इसको बोल रहे हैं कि एडजस्ट करना जो होता है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए क्या है ये फॉल्स. उसके बाद छः नंबर पे, सिक्स नंबर है, कूलिंग फैन कीप्स ऑन रनिंग फॉर सम टाइम इवन आफ्टर प्रोजेक्टर इज स्विच्ड ऑफ. और इनकी कूलिंग फैन जो होता है वो रन होता रहता है कुछ समय के लिए, इवन यहाँ तक प्रोजेक्टर जो है अगर स्विच ऑफ भी कर दें तो. अगर प्रोजेक्टर स्विच ऑफ भी रहता है ना, कर देते हैं, तो उसके बाद इसका जो कूलिंग फैन है थोड़ी देर के लिए चलता रहता है, इसलिए क्या है ये ट्रू है. ऐसा नहीं कि प्रोजेक्टर एकदम से जैसे शट डाउन किया तो एकदम से बंद हो जाता है कूलिंग फैन. कूलिंग फैन थोड़ी देर के लिए चलता रहता है, उसकी जो अंदर हीट जनरेट होती है उसको बाहर फेंक देता है ये, फिर ये प्रोजेक्टर को बिल्कुल बंद कर देता है. ठीक है, तो इसलिए ये क्या है ट्रू है. आगे सेवन्थ पॉइंट, हाई कॉन्ट्रास्ट रेशो मीन्स बेटर डिस्प्ले क्वालिटी. और कि अगर कॉन्ट्रास्ट की जो दर है, रेशियो है, उसका जो अनुपात है, उसका मतलब है कि बेहतर पिक्चर की क्वालिटी, पिक्चर की जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी, तो इसलिए क्या है ये ट्रू है. ठीक है, एलईडी यूज फ्लोरोसेंट पैनल ऑफ क्रिस्टल्स. बोल रहे हैं कि एलईडी के अंदर जो फ्लोरोसेंट पैनल बना होता है क्रिस्टल्स का, फ्लोरोसेंट होते हैं वो पैनल में, वहां पे क्वेश्चन में ये चीज रह गई थी ना, फ्लोरोसेंट पैनल ऑफ क्रिस्टल, वहां पे लिखा हुआ है हमने कि दैट आर अरेंज्ड इन पिक्सल्स. वहाँ पे एक मैट्रिक्स बनी होती है पिक्सल की, उसी मैट्रिक्स का नाम लिखा हुआ यहाँ पे फ्लोरोसेंट पैनल ऑफ क्रिस्टल्स. एलईडी में क्रिस्टल्स, एलसीडी में यहाँ पे लिखा हुआ कि क्रिस्टल्स लगे होते हैं, हालांकि एलईडी में क्रिस्टल्स थोड़े लगे होते हैं. फ्लोरोसेंट पैनल ऑफ क्रिस्टल्स तो एलसीडी के अंदर होता है, एलईडी में क्या लगा होता है डायोड्स, इसलिए यहाँ पे क्या है ये फॉल्स है. ठीक है, एलईडी में डायोड्स लगी होती है और एलसीडी में क्रिस्टल्स. LED is less prone to damage. बोल रहे हैं कि LED में damage होने का खतरा जो होता है वो रहता है, कम खतरा है. LED में damage का जो खतरा है वो कम है, इसलिए क्या है ये ट्रू है. LED is less prone to damage. ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 10, CRT does not need a warm up period. CRT में उसको गर्म होने के लिए टाइम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, जरूरत होती है, बहुत बड़ी होती है ना सीआरटी का मॉनिटर. देखिए हमने पुराने टीवी की पिक्चर ट्यूब कितनी बड़ी होती है, बैक साइड से देखो ना खुले होते हैं, तो वो पिक्चर यानी कि तैयार होने में थोड़ा सा वार्म अप होने में टाइम लगाती है, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे. सीआरटी डज नॉट नीड अ वार्म अप पीरियड, यहाँ पे वो टाइम नहीं लेती है, हालांकि वो टाइम लेती है, इसलिए ये क्या है फॉल्स है. सीआरटी डज नॉट नीड अ वार्म अप पीरियड, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो गर्म होने में टाइम नहीं लेती है, हालांकि वो लेती है, इसलिए क्या है ये फॉल्स. आगे है पॉइंट नंबर 11, पेन प्लॉटर इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस सॉलिड फिल्स एंड शेडिंग. पेन प्लॉटर जो होते हैं वो एबल नहीं होते हैं, मतलब योग्य नहीं होते टू प्रोड्यूस सॉलिड फिल्स. सॉलिड फिल्स का मतलब कि वो जो प्रिंटिंग करते हैं ना, सॉलिड फिल्स एंड शेडिंग, प्रिंटिंग और शेडिंग जो कुछ भी उसके प्रिंट करते हैं उसमें वो एबल नहीं होते, उसके योग्य नहीं होते हैं, तो ये सही है, ट्रू है. प्लॉटर्स के अंदर बड़े बड़े जो पिक्चर्स, बड़े बड़े बैनर्स वगैरह बनते हैं, वो थोड़े से देखने में इस तरह से सॉलिड फिल्स और शेडिंग जो होते हैं वो नहीं बनती है, जैसे कि एक छोटे से पेज के ऊपर बनती है. पेन प्लॉटर्स ये जो होते हैं वो इनकी जो पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है. ठीक है, अब बड़ी बड़ी इमेजेस करेंगे, दूर से देखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन नज़दीक से देखेंगे तो वो ठीक है अच्छी क्वालिटी नहीं नज़र आएगी. तो इसके साथ ही हमारे जो है 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं. यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बचता है इस चैप्टर का, प्लॉटर्स का, तो उस क्वेश्चन को हम कल कंप्लीट करेंगे. तो इसके साथ ही आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे जो भी टॉपिक्स हैं वो खत्म होते हैं. कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए. जय हिंद. ऑडियो जंगल.